भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का 1 मार्च 2020 का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान का है, जब स्वामी केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर चर्चा में भाग लेते हुए कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे विपक्ष असहज होता दिखता है। दरअसल केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक 2019 को 2020 में राज्यसभा में पेश किया था। यहाँ डीएमके के अलावा किसी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया और विधेयक पास हो गया। इस दौरान चर्चा में भाग लेते हुए स्वामी ने गूगल का जिक्र आने पर डीएमके सांसदों से कहा कि गूगल आपके लिए है, हमारे लिए नहीं, गूगल आपके जैसे इडियट्स के लिए है। स्वामी के इस बयान के बाद विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। वहीं स्वामी के इस विधेयक के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि यहाँ संस्कृत और तमिल का पर सवाल उठता है। अगर आप तमिल की डिक्शनरी देखते हैं तो किसी भी भाषा की और आप इसकी संस्कृत से तुलना करते हैं तो आपको 40% शब्द तमिल और संस्कृत में समान मिलेंगे। इसी बीच डीएमके के सांसद बीच में स्वामी को टोकते हैं और बस फिर क्या था कि तमिल नेता ने नाम को ही स्वामी के उदाहरण बना डाला। जी हाँ, आपको बता दें कि ये वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है और काफी चर्चाओं में है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।